इस ठंड के दिनों में जो ठंड हवाएं चलती है उससे स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। ड्राइनेस के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है ना। सबका लाइफ बहुत ही बिजी हो गया है कि उनको खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। सोने से पहले आपको नाभि में सरसों का तेल लगाना, जिससे आपके लिप में मॉइस्चर हमेशा बना रहेगा। और दोनों हाथ के तलवे में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसको रब करके मिक्स कर लेना और छोड़ देना, पैर के तलवे में भी। इससे आपका क्या होगा, मॉइस्चर आपके पूरे बॉडी में, फेस के साथ साथ पूरे बॉडी में भी मॉइस्चर बने रहेंगे। एवरीवन, दिस इज रिजवाना परवीन फ्रॉम रिजवाना हेयर मेकअप एंड आर्टिस्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्दियों में हमारे स्किन मॉइस्चर और नमी दोनों खो देते हैं, तो इनको पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मोस्टली लोग क्या यूज करते हैं, कुछ क्रीम, कुछ फेशियल, ये सब। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ आप घरेलू नुस्खे से कैसे अपनी स्किन को मॉइस्चर बनाए रख सकते हैं। आपके घर में, आपके किचन में वो चीज अवेलेबल बना है, मसूर के दाल लेने हैं, जितनी भी क्वांटिटी में आपको फेस में लगाने हैं, 2 चम्मच इनफ होंगे एक फेस के लिए। एक कटोरी में आपको मिल्क लेने होंगे, आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, बॉयल मिल्क भी ले सकते हैं। अगर आप बॉयल मिल्क लोगे तो उसके साथ आप मलाई भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका मॉइस्चर बना रहेगा। उसमें आप मसूर के दाल को फुलाकर छोड़ दे 4 से 5 घंटा, उसके बाद उसे आप पीस ले। पीसने के बाद 10 से 15 मिनट अपने फेस पर लगा रहने दे, और उसके बाद हल्के हाथों से रिमूव करके हटा दे। ऐसा करने से आपके स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाएगा, मॉइस्चर भी बना रहेगा। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर, आपको बेसन लेना, उसमें चुटकी भर हल्दी। ध्यान रहे कि हल्दी पैकेट वाला नहीं लेना है। पैकेट वाले हल्दी में क्या होते हैं, कुछ केमिकल, कुछ कलर यूज किए होते हैं जो स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। तो आपको या तो घर का पिसा हुआ या मिल का पिसा हुआ हल्दी लेना है, चुटकी भर हल्दी उसमें मिक्स करना है। उसके बाद उसमें दूध, और अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो मलाई भी यूज कर सकते हैं, उसे मिक्स करना है। 10 से 15 मिनट अपने फेस पर लगाना है, उसके बाद उसे धो लेना है। धोने के बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, ताकि आपके फेस का मॉइस्चर, दिनों में जो ठंड हवाएं चलती है उससे स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। ड्राइनेस के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। फर्स्ट वन, इसकी फेस ड्राई होने के कारण उसमें छोटे छोटे पिंपल्स भी आ जाते हैं, चेहरा बहुत ही सूखा, रूखा और बेजान। ड्राइनेस की वजह से छाइयां, रिंकल्स बहुत ही इजीली आ जाते हैं और स्किन पिगमेंटेड भी हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पी की जिंदगी में बहुत सारी महिलाएं, या फिर इसको जेंट्स भी कर सकते हैं। इतना सबका लाइफ बहुत ही बिजी हो गया है कि उनको खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। कभी ड्यूटी, कभी वर्क, कभी घर का वर्क। आप जब भी रात में बेड पे जाते हैं, कुछ भी नहीं करना, आपको अपने बेड के पास एक बॉटल में सरसों का तेल रखना है। सोने से पहले आपको नाभि में सरसों का तेल लगाना है, जिससे आपके लिप में मॉइस्चर हमेशा बना रहेगा। और दोनों हाथ के तलवे में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर उसको रब करके मिक्स कर लेना और छोड़ देना, पैर के तलवे में भी। इससे आपका क्या होगा, मॉइस्चर आपके पूरे बॉडी में, फेस के साथ साथ पूरे बॉडी में भी मॉइस्चर बने रहेंगे। ठंड के दिनों में दूध का जो मलाई होता है, ये बहुत ज्यादा इसमें मॉइस्चर होते हैं, बहुत ज्यादा। तो आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बिना किसी चीज में मिक्स किए। मलाई को ले, फेस पे अप्लाई करें, और उसके बाद उसे थोड़ी देर रखकर हल्के गुनगुने पानी से धो ले, या आप वेट वाइप्स का भी यूज कर सकते हैं। मलाई बहुत ही इफेक्टिव होता है। और मैंने जितने भी आपको नुस्खे बताए, आप कोशिश करें कि उन्हें शाम में करें, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम दिन में उसे यूज कर लेते हैं, मार्केट चले जाते हैं, धूप में चले जाते हैं। तो आप कोई भी नुस्खा अपनाएं, और अगर धूप में और धूल में जाएंगे तो उसका आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उसका अपोजिट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कोशिश करें कि शाम में उसे अपनाएं।